हेलो क्लास फिफ्थ, लेट्स कंटिन्यू योर इंग्लिश ग्रामर चैप्टर प्रोनाउन। आर नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन दिस दैट दीज एंड दोज शोज और पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग टू विच दे रेफर। ये सभी दिस दैट दीज दोज ये सभी क्या हैं, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये आपको किसी पर्सन यानी कि व्यक्ति या थिंग यानी कि वस्तु के बारे में बताते हैं। दे आर यूजली फॉलो बाय वर्ब्स। ये वर्ब के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। देखिए, दिस इज़ अ माउस। दिस आप सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। ये एक माउस है। दीज आर माइस, ये माइस हैं। तो दीज प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग सुटेबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फ्रॉम द those given in bracket। आपको इसमें demonstrative pronoun भरने हैं। Dash is the room where we practice dance। ये वो room है जहाँ हम dance की practice करते हैं। देखिए, आपको bracket में दिया है these और this। अभी मैंने आपको बताया these plural के लिए use करते हैं, तो यहाँ पर एक ही room है तो क्या आएगा हमारा this। Whose shoes are dash? ये किसके शूज़ हैं? देखिए, शूज़ प्लूरल है तो क्या आएगा इसमें दीज। हुज शूज़ आर दीज। डैश इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वैरायटी ऑफ टी अवेलेबल। देखिए, टी एक है तो ये देखिए दोज प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा दिस। दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वैरायटी ऑफ टी अवेलेबल। डैश आर द काइट्स आई वॉन्ट टू बाय। ये वो काइट है जो मैं लेना चाहता हूँ। तो देखिए, काइट्स है प्लूरल है तो दोज और दैट में से क्या आएगा दोज। दैट मीन्स वह और दोज उसका प्लूरल है। टीनाज मदर सैड डैश आर योर आंट्स फ्रॉम गंटोर। दे विल बी विद अस फॉर अ वीक। देखिए, आंट्स, यहाँ पे आंट्स प्लूरल है और ब्रैकेट में हमें क्या दिया है दीज और दैट। तो दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो प्लूरल के लिए क्या यूज होगा दीज। तो सेंटेंस होगा टीनाज मदर सैड दीज आर योर आंट्स फ्रॉम गंगटोर। दे विल बी विद अस फॉर अ वीक। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। ये डब्ल्यू या एच से स्टार्ट होंगे। देखिए, पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लाइक हु, हुम, हुज, विच, व्हाट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। इन सभी का प्रयोग आप क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। दे आर यूजली प्लेस्ड बिफोर अ वर्ब। इसको वर्ब से पहले यूज किया जाता है। एज वी हैव ऑलरेडी सीन हु, हुम, हुज एंड विच फंक्शन आर रिलेटिव प्रोनाउन। आपने पहले पढ़ा था कि हु, हुज, हुम एंड विच ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं व्हेन दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। जबकि वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है और इनको आप हु, हुज, हुम और विच को क्वेश्चन के लिए भी यूज करते हैं। देखिए, व्हाट वॉज दैट नॉइस, पीछे क्वेश्चन मार्क, वो कैसा शोर है। ठीक है, हु विल इंट्रोड्यूस द सिंगर, सिंगर को इंट्रोड्यूस कौन करेगा। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन की ये पहचान भी है कि उसमें पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लेगा। तो लेट्स डू एक्सरसाइज, कंप्लीट दिस सेंटेंस विच सूटेबल इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये देखिए, आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिए गए हैं, आपने इसमें कंप्लीट करने हैं ये सेंटेंस। फर्स्ट है डैश विल ब्रिंग द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ। ये पूछ रहा है कि शेल्फ से बुक कौन लाएगा, तो इसमें आप लिखेंगे हु। नेक्स्ट है डैश आर द बुक्स यू वांट। यहाँ से पूछ रहा है कि आपको कौन सी बुक्स चाहिए और आपको पता है बुक्स नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आप क्या लगाते हैं विच। विद डैश डिड यू कम टू द लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी किसके साथ आएंगे, तो विद किसके साथ आएंगे। पर्सन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं हुम। डैश विल यू डू इफ़ नोबडी ब्रिंग देम फॉर यू। वो पूछ रहा है आप क्या करोगे अगर आपके लिए कोई बुक ना लाए तो व्हाट क्या आएगा इसमें व्हाट। डैश विल यू गिव द बुक्स आफ्टर रीडिंग देम। वो पूछ रहा है आप बुक्स पढ़ने के बाद किसे देंगे, तो
तो पर्सन को देंगे आप, पर्सन के लिए आप हम क्या यूज़ करते हैं, हुम। डैश इज योर ओपिनियन अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ दिस लाइब्रेरी, आपका लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए क्या ओपिनियन, क्या विचार है, तो आप फिलअप में भरेंगे व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्लेस द वर्ड्स रेड प्रोनाउन एंड रीराइट द सेंटेंस, आपको जितने भी रेड वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपको, इनकी जगह आपको प्रोनाउन यूज करना है। तो लेट्स स्टार्ट। अमीना प्लेज वीना एंड गिटार वेरी वेल, अमीना गिटार और वीना बहुत अच्छा बजाती है। तो अमीना गर्ल है, गर्ल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी। शी प्लेज द वीना एंड द गिटार वेरी वेल। नेक्स्ट है, मिस्टर सरकार गिव्स लेसन टू अमीना एवरी डे, वो कहना चाहता है कि मिस्टर सरकार अमीना को हर संडे को गिटार के लेसन देते हैं। तो अमीना के लिए आप यूज़ करेंगे हर, शी और यहाँ पे हर। मिस्टर सरकार गिव्स लेसन टू हर एवरी संडे, अमीना इज मिस्टर सरकार्स फेवरेट स्टूडेंट, अमीना मिस्टर सरकार की फेवरेट स्टूडेंट है। तो शी, अमीना की जगह क्या आएगा, शी इज मिस्टर सरकार्स फेवरेट स्टूडेंट। नेक्स्ट है, दिस ब्यूटीफुल वीना इज अमीनाज, ये ब्यूटीफुल वीना है जो अमीना की है। तो दिस ब्यूटीफुल वीना इज हर्स, अमीना होप्स टू प्ले द वीना ऑन द स्टेज समडे, अमीना को होप है कि वो एक दिन स्टेज पर वीना बजाएगी। तो अमीना के लिए क्या आएगा, शी होप्स टू प्ले द वीना की जगह क्या आएगा, इट, क्योंकि वीना है नॉन लिविंग थिंग और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट, ऑन द स्टेज समडे। तो आज आपका प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट होता है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो आप अपनी बुक में इसको करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।